हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है PLLV फिफ्थ ईयर एंड LLV थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट पेपर था, आज देख लेते हैं क्या है पहले पेपर में। फर्स्ट पेपर था लैंड लॉज ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ सेलिंग द अदर लोकल लॉज, ये था पेपर का टाइटल्स। देख लेते हैं आज के पेपर में आपका कितना स्कोर बनने वाला है। आज के पेपर में बता दूं कि 80 क्वेश्चंस आपको करने थे, 80 क्वेश्चंस बताए थे कि 80 क्वेश्चंस LLV का क्राइटेरिया चेंज किया था, 80 क्वेश्चंस करना मिनिमम था। तो देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में कितनी धाराएं हैं। तो पहला ऑप्शन था आपका ए, पहला ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं किराया क्या है। किराया वो होता है जो भूमि स्वामी को देना होता है, जो कि आसामी द्वारा दिया जाता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। ओके, डी होगा। ठीक है, खतौनी, खतौनी की बात करते हैं। खतौनी में किसी अशुद्धि में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तहसीलदार को दिया जाता है। खतौनी जो है तहसील से देखी जाती है, खसरा एंड खतौनी। देखिए, भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत नया अक्त कहाँ है। तो देखिए, खंड और ज़िले में दोनों ही आंसर सही है, तो मैं जो लगाऊंगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। राजस्व, कौन राजस्व न्यायालय नहीं है, कौन राजस्व न्यायालय नहीं है, इसका होता है राज्य सरकार। ओके, UPZA and LR अधिनियम किस धारा एंड सरकार के निहित भूमियों द्वारा ग्राम सभा के निहित किया गया है। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा आपका बी 117। ओके, अतिक्रमणी, अतिक्रमणी कौन होता है, एक व्यक्ति बिना नाम में आए भूमि धारित कर ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आसामी किराया देने किसको जिम्मेदार होता है, किसको जिम्मेदार होता है, इसका आंसर होगा सी ए एंड बी, उत्तर प्रदेश जमींदारी का विनाश और भूमि अव्यवस्था अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति कुल मिलाकर से अधिक भूमि रख सकता है, 12.5 एकड़ से ज़्यादा अधिक भूमि रख सकता है, इसके अधिक, इससे अधिक की अवधि के लिए आया आसामी को पट्टा नहीं दिया जाएगा, आसामी को पट्टा नहीं दिया जाएगा, यानी 5 वर्ष से। UPZA and LR अधिनियम के तहत दाखिल खारिज का अर्थ क्या होता है। दाखिल खारिज का अर्थ होता है शीर्षक के विलेख का परिवर्तन। ओके, सिर का अर्थ क्या है, सिर का अर्थ जो होता है वो होता है स्वयं। ओके, दाखिल खारिज कितनी तरह से किया जा सकता है, दो प्रकार से किया जा सकता है। भूमि प्रबंधन समिति का निम्न में कौन सा कार्य है। ओके, निम्न देखिए, ग्राम सभा द्वारा वाद एक का संचालन एवं अभियोजन, भूमि का स्थानीकरण एवं प्रबंधन, हाट बाजार एवं मेले का प्रबंधन, उपयुक्त तो सभी, इसका आंसर होगा डी। बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तिथि जब जमींदारी समाप्त किया जाता कहलाती है। ओके, ये निहित होने की तिथि और परित्यागा धारा के अंतर्गत, धारा के अंतर्गत ये आपका ऑप्शन देखिए डाउटेबल ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, इसका मैंने इसको ड्रॉप डाउन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। अपनी भूमि की वसीयत कौन कर सकता है, अपनी भूमि की वसीयत कौन कर सकता है, ये होता है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। ओके, सीमा, सीमा चिन्ह, सीमा चिन्ह का अनुसरण कौन करता है, सीमा चिन्ह का अनुसरण कौन करता है, ग्राम सभा। अब मैं फटाफट से टाइम न लेते हुए मैं फास्टली इनके ऑप्शंस बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस आप मैच कर लीजिएगा। ओके, 20 का ए है, 21 का बी, 22 का जो है सी, 22 का है सी, 23 का होगा आपका डी। ओके, 24 का होगा आपका बी, 25 का ए, 26 आप देखेंगे 26 में है आपका डी। ओके, 27 देखेंगे, 27 में है ए, 28 में है बी, 28 में है आपका बी। ओके, 29 में है ए, 30 देखेंगे, 30 में है डी, 31 में है ए, 32 में है आपका बी, 33 में है बी। ओके, 34 आप देखेंगे, 34 में है सी, 34 सी,
38 जो है वो है आपका बी, 39 ए, 40 सी, 41 सी, 42 ए, ओके 43 बी, 44 डी, 45 बी, 46 सी, ओके 47 ए, 48, 48 बी, 49 ए, 50 बी, 51 डी, 52 सी, 52 सी, 53 ए, 53 ए, 54 डी, 55 ए, 56 ए, 57 सी, 58 बी, 59 सी, 60 ए, 61 बी, 61 बी, 62 बी, 63, 63 ए, 64 ए, 65 ए, 66 बी, 67 जो है सी, 68 डी, 69 ए, 70 डी, ओके 70 डी। अब 71 देखेंगे, 71 आपका जो है डी, 72 ए, 73 डी, 74 सी, 75 बी, 76 सी, 76 सी, 77 सी, 78, 78 जो है आपका होगा, देखिए 78 नहीं है, 78 हमने ड्रॉप किया है, आप भी इसे देख लीजिएगा, आपने जो लगाया है वो देख लीजिएगा क्या है आपका आंसर, और 78 हमने ड्रॉप किया है। 79 देख लेंगे, 79 डी, ओके 80 बी, 81 सी, 82 बी, 83 सी, 84 बी, 85 ए, 86 डी, 87 ए, 88 सी, 89 ए, 90 बी, 91 ए, ए एंड डी का ऑप्शन है, आप मैच कर लीजिएगा इसमें से, दोनों में मुझे डाउट है कि दोनों में से कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार में से कोई एक होता है, वैसे मोस्टली मैं राज्य सरकार की तरफ जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। UPLR अधिनियम के अंतर्गत गांव सूची बनाए रखेगा कौन, कलेक्ट्रेट सी, ओके UPLR अधिनियम की कौन सी धारा खतौनी को प्रभावित करती है, डी, ओके 94 का डी, 95 का ए, और 96 का सी, 97 का ए, 98 का सी, 99 का बी, और 100 का सी, ओके ये थे 100 क्वेश्चंस जो कि हमने आपको आज बताए थे, जो कि फास्ट रिवीजन के साथ मैंने आपको बता दिया है, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा आपके लिए कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं और कौन से रॉन्ग हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है विद कंटेंट हमें कमेंट करिएगा, हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे और उसे चेंज करेंगे। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।